हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अतुल एजुकेशन। तो फ्रेंड सॉरी इसके लिए कि आप लोग को इतने सारे लोग का मैसेज आ रहा मुझे और इतना सारा कमेंट आ रहा है, सर मुझे ये चाहिए चाहिए। एक्चुअली मैं आप लोग की डिमांड में पूरा नहीं कर पा रहा हूँ फ्रेंड, क्योंकि आपको भी पता है कि बहुत सारे मुझे लेक्चर रहते हैं और भी बहुत सारे काम रहते हैं, तो इसलिए मैं सबका तो जो भी डिमांड है पूरा नहीं कर पाऊँगा फ्रेंड। बट जितना मेरे तरफ से पॉसिबल होगा मैं आप लोग का हेल्प करूँगा। जैसा कि मैंने रात को आपको पता कि 2:30 बजे तक जाकर आप लोग का नोट्स का डिमांड था पूरा किया। अभी आप लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन मांग रहे थे, तो मैं अभी सोचा उसके बारे में वीडियो बना देता हूँ। इसके बाद जैसे मुझे टाइम मिलेगा फ्रेंड और भी जो भी आप लोग का डिमांड है मैं पूरा करूँगा फ्रेंड। तो चलो फ्रेंड, हम लोग अभी यहाँ पे देखने वाले हैं कुछ लास्ट ईयर में आए हुए क्वेश्चनों के ऑब्जेक्टिव के आंसर एक्सप्लेन कर देता हूँ, जो कि इसमें से कुछ ऑब्जेक्टिव आपको आ सकते हैं एग्जाम में। जैसे मुझे टाइम मिलेगा हर एक चैप्टर वाइज भी मैं ऑब्जेक्टिव आपको एक्सप्लेन करके ट्राई करूँगा चैनल पर अपलोड कर दूँ। तो फ्रेंड यदि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बस मेरे लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे मुझे पता चलेगा कि आप लोग मेरे साथ बने हुए हो। और थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए कि मेरे सब्सक्राइबर आप लोग के साथ मिलकर 10,000 हो गए, थैंक यू सो मच उसके लिए। चलो हम लोग देखते हैं फ्रेंड। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ये पेपर जो है आपका नवंबर 2018 के पेपर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। इसमें देखो दिया गया था लिबरलाइजेशन पॉलिसी वाज अनाउंस्ड ऑन। तो लिबरलाइजेशन पॉलिसी जो अनाउंस हुआ था वो कब हुआ था, जुलाई 24, 1991 के डे अलाउड किया गया था, मतलब अनाउंस किया गया था। तो जुलाई 24, 1991 इसका राइट ऑप्शन है। तो आप लोग सिर्फ 1991 मत याद करके जाना, क्योंकि 1991 की डेट के साथ आपको 24 जुलाई भी आपको याद रखना है। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर रिफर्स, बोलता जो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके अंदर क्या इंक्लूड है, रियल इस्टेट है क्या, मैन्युफैक्चरिंग है क्या, एग्रीकल्चर है क्या, नहीं ये सब बिजनेस है, ये सब क्या है, बिजनेस है। तो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड क्या है, एजुकेशन है, क्या है, एजुकेशन है। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं डैश इज द रिलेटेड टू गर्ल्स एजुकेशन, गर्ल्स एजुकेशन से रिलेटेड क्या है। तो आपको भी पता है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ जो अभियान था वो गर्ल्स शिक्षा से रिलेटेड था, जो कि सर्व शिक्षा अभियान जो है ये सबसे रिलेटेड है, आरयूएस से जो है इसका कोई भी रिलेशन नहीं यहाँ पे। तो बेटी से मतलब गर्ल्स से रिलेटेड था, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, आप लोगों ने कई बार ये स्लोगन आपने सुना रहेगा। लिखा है फार्मर नीड शॉर्ट टर्म लोन फॉर, बोलता है फार्मर को शॉर्ट टर्म लोन किसके लिए चाहिए, परचेस ऑफ सीड के लिए, परचेस ऑफ इनपुट्स के लिए, टू मीट द कंजप्शन नीड। तो जो फार्मर को लोन चाहिए ये सब कामों के लिए चाहिए, सब कामों के लिए फार्मर को शॉर्ट टर्म लोन चाहिए। डैश द अपेक्स बॉडी ऑफ रूरल क्रेडिट, रूरल क्रेडिट की जो रूरल एरिया में एग्रीकल्चर के लिए जो फाइनेंस करती है वो कौन सी बॉडी है, नाबार्ड है, नेशनल एग्रीकल्चर बैंक, सॉरी नेशनल एग्रीकल्चर बैंक एंड रूरल डेवलपमेंट करके जो बैंक है ये आपको क्या करती है, रूरल क्रेडिट प्रोवाइड करने का काम इसका है। लिखा है फार्मर आर नॉट एबल टू रियलाइज बेटर प्राइस बिकॉज, बोलता है फार्मर को बेचकर अच्छा प्राइस नहीं मिलता है, इसके पीछे क्या रीजन हो जाता है, लैक ऑफ ग्रेडिंग। फार्मर जो रहते हैं अपने प्रोडक्ट को ग्रेडिंग नहीं कर पाते, ए ग्रेड बी ग्रेड ऐसा ग्रेडिंग नहीं कर पाते हैं। लैक ऑफ मार्केट नॉलेज, उनको मार्केट का नॉलेज नहीं रहता है कि मार्केट में क्या प्राइस चल रहा है कैसे। लैक ऑफ स्टोरेज सबसे बड़ा प्रॉब्लम रहता है कि उन्होंने फसल तो उगा दिया लेकिन उसको स्टोर करके कहाँ पे रखेंगे, वो उनको उनके पास फैसिलिटी नहीं रहता, तो उनको लगता है जो प्रोडक्ट रहेगा वो खराब हो जाएगा, तो इससे अच्छा बेच देते हैं जो भी प्राइस मिलता है, तो इसके लिए उनको जो कम प्राइस में जो मिलता है बेच दिया जाता है। तो ऑल ऑफ द अबव इसका राइट ऑप्शन है। डिस इन्वेस्टमेंट रिफर्स टू, डिस इन्वेस्टमेंट क्या होता है, सेल ऑफ गवर्नमेंट ओनरशिप, जब गवर्नमेंट अपना क्या होती है, गवर्नमेंट कंपनी हो गई, गवर्नमेंट के जितने भी बिजनेसेस होते हैं उसको गवर्नमेंट सोल्ड कर देती है, तो उसे हम लोग डिस इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन कंट्रोल इज, बोलता है इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन कंट्रोल क्या है, करंट सब्जेक्ट है, ठीक है, जिसके ऊपर गवर्नमेंट काम कर रही है इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन, ठीक है, जो कि बहुत सारे पॉल्यूशन, जैसा कि आपको पता है कि इन्वायरमेंट के ऊपर बहुत सारे इफेक्ट गिर रहे हैं, इसके पीछे इंडस्ट्री बहुत बड़ी हो जाए, तो एक करंट सब्जेक्ट ए है।
डैश इज द सेक्टर आर आइडेंटिफाई फॉर दी प्रमोशन, प्रमोशन के लिए कौन से सेक्टर को गवर्नमेंट ज़्यादा प्रेफर कर रही है, प्रमोट कर रही है, तो टूरिज्म सेक्टर या मेडिकल टूरिज्म। तो गवर्नमेंट क्या कर रही है, दोनों टूरिज्म और मेडिकल टूरिज्म दोनों को आइडेंटिफाई करके रखी है प्रमोशन के लिए। नरसिम्हन कमेटी रिकमेंडेड, बोलता नरसिम्हन कमेटी ने क्या रिकमेंड किया है, तो नरसिम्हन कमेटी ने रिकमेंड किया था इंट्रोडक्शन ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी, हम लोग को मॉडर्न टेक्नोलॉजी को इंट्रोडक्शन करना चाहिए, कंसोलिडेशन ऑफ बैंक, बैंक को कंसोलिडेट करना चाहिए, लिबरलाइजेशन और बैंकिंग सेक्टर को और भी छूट देना चाहिए। तो जो नरसिम्हन कमेटी थी जो बैंकिंग के लिए बनाई गई थी, ये ऑल ऑफ अबव के ऊपर उसका फोकस था। आगे लिखा है इंडियन मनी मार्केट आर रेगुलेटेड, वो ये तो सिंपल क्वेश्चन है कि इंडियन मनी मार्केट को कौन रेगुलेट करता है, आरबीआई रेगुलेट करती है, कौन रेगुलेट करता है, आरबीआई रेगुलेट करती है। कैपिटल मार्केट को कौन रेगुलेट करता है, सेबी रेगुलेट करती है। लिखा है इक्विटी मार्केट इज एसोसिएटेड विथ, बोलता है इक्विटी मार्केट किससे एसोसिएटेड है, इक्विटी मार्केट किससे एसोसिएटेड है, प्राइवेट सिक्योरिटी से एसोसिएटेड है। जो इक्विटी मार्केट वो किससे एसोसिएटेड है, प्राइवेट सिक्योरिटी से एसोसिएटेड है। नेक्स्ट आपको ट्रू फॉल्स क्वेश्चन पूछा गया था, जिसके अंदर था न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी और द लॉन्च लॉन्च बाय द मिस्टर पीबी नरसिम्हा राव, बोलता है न्यू इकोनॉमिक्स पॉलिसी जो है उसको पीबी नरसिम्हा राव ने लॉन्च किया था, यस ट्रू है, ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। इन्वेस्ट इन इंडिया इज द अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्ट इन इंडिया जो था वो अट्रैक्ट करता है फॉरेन के इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टर को, यस ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। नेशनल नरसिम्हा मिशन इज क्रिएटेड टू इंश्योर द इफेक्टिव न्यूट्रिएशन इन्वेस्टमेंट, बोलता है जो नरसिम्हा न्यूट्रिशन मिशन था वो क्रिएट किया इफेक्टिव न्यूट्रिशन इन्वेस्टमेंट के लिए, यस ये भी स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। नेक्स्ट दिया सेंट्रल गवर्नमेंट एलोकेशन इन टू एग्रीकल्चर डिक्लाइन इन रिसेंट ईयर, बोलता है आजकल जो गवर्नमेंट वो एग्रीकल्चर पे जाकर ज़्यादा फोकस नहीं कर रही है, एग्रीकल्चर पे गवर्नमेंट का जो एलोकेशन था जो पैसा देती थी वो कम हो गया है, फॉल्स है, ऐसा नहीं है, आज भी गवर्नमेंट क्या करती है एग्रीकल्चर के ऊपर खर्चे करती है। लिखा क्रेडिट प्रोविजंस फॉर एग्रीकल्चर एडुकेट इन इंडिया, बोलता है जितना फार्मर को लोन चाहिए उतना लोन मिल जाता है, एडुकेट है मतलब सफिशियंट है क्या, नहीं, ए बी स्टेटमेंट क्या, फॉल्स है। यहाँ पे लिखा है एग्रीकल्चर मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इन एडुकेट इन इंडिया, बोलता है जो एग्रीकल्चर मार्केटिंग है इंफ्रास्ट्रक्चर इन एडुकेट इन इंडिया, इंडिया में इन एडुकेट है, ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है, क्योंकि यहाँ पे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का मार्केटिंग होता ही कहाँ है, नहीं होता है मार्केटिंग, तो इन एडुकेट है मतलब सफिशियंट नहीं है, तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, ट्रू हो जाएगा। लिखा है फॉर डिस इन्वेस्टमेंट इन इंडिया इन मेनली द गॉन बाई डेफिसिट कंसिडरेशन, बोलता है डिस इन्वेस्टमेंट से क्या होगा, डिस इन्वेस्टमेंट इन इंडिया मेनली गॉन बाई द डेफिसिट कंसिडरेशन होता है, फॉल्स है, यहाँ पे डिस इन्वेस्टमेंट से डेफिसिट कंसिडरेशन नहीं होता है, कम गवर्नमेंट के पास उल्टा पैसा आता है और, तो ये फॉल्स है। नेशनल ग्रीन टूरिज्म रिस्पॉन्सिबल टू मेंटेन द एनवायरमेंट, बोलता है नेशनल ग्रीन टूरिज्म जो था वो रिस्पॉन्सिबल है मेंटेन एनवायरमेंट, एनवायरमेंट को मेंटेन करने के लिए, नाम से ही आपको पता चलेगा हाँ हम लोग ग्रीन टूरिज्म ला रहे हैं, तो ये हम लोग को मेंटेन करने के लिए ही एनवायरमेंट लाते हैं। एफडीआई फ्लो इनटू सर्विस सेक्टर आर नॉट सेटिस्फैक्टरी, बोलता जो एफडीआई का फ्लो है सर्विस सेक्टर में उससे हम लोग सेटिस्फाई नहीं है, ये फॉल्स है, एफडीआई की वजह से भी हम लोग क्या है सेटिस्फाई, बहुत सारी चीज़ें हुई सर्विस सेक्टर में जो आया, तो इतने सारे डेवलपमेंट कैसे हुए, एफडीआई के थ्रू ही तो हुए। आगे लिखा है इंडियन बैंकिंग सेक्टर फेसिंग द सीरियस थ्रेट फ्रॉम द नॉन परफॉर्मिंग असेट्स, बोलता जो इंडियन बैंकिंग सेक्टर है उनके पास नॉन परफॉर्मिंग असेट्स जो रहता है इससे बहुत डर रहता है उनको। नॉन परफॉर्मिंग असेट्स क्या होता है, लोग पैसा लोन लेते हैं लेकिन लोन डिस्चार्ज नहीं करते, इंटरेस्ट पेमेंट नहीं करते हैं। इंडियन मनी मार्केट इज द सिगमेंटेड, बोलता है इंडियन मनी मार्केट जो है वो कैसा सिगमेंटेड, सिगमेंटेड है मतलब मनी मार्केट को हम लोग सिगमेंट में डिवाइड किए हुए, ए बी स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। लिखा है इंडियन इंश्योरेंस सेक्टर प्रोवाइड ओनली लाइफ इंश्योरेंस, बोलता है इंडिया के जो इंश्योरेंस सेक्टर है वो सिर्फ लाइफ इंश्योरेंस बेचते हैं, रॉन्ग है, फायर इंश्योरेंस, मरीन इंश्योरेंस, बाइक के इंश्योरेंस, कार इंश्योरेंस ये सब भी तो बेचते हैं, तो कैसे हम लोग बोल सकते हैं कि सिर्फ मरीन लाइफ इंश्योरेंस ही बेचते हैं,
तो फ्रेंड ये आपके टोटल 24 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जिसमें से आपको बोला गया था कि 10 अटेम्प्ट करना है, फिर ट्रू फॉल्स के 10। लेकिन मेरी एक एडवाइस मानना फ्रेंड, आप लोग को क्या करना है, टोटल 24 आउट ऑफ 24 अटेम्प्ट करना। जो राइट आपके रहेंगे वो आपको 20 मार्क्स मिल जाएंगे। सेफ्टी के लिए दो जो एक्स्ट्रा बचा हुआ है उससे भी अटेम्प्ट करना। आप लोग को बहुत सारे लोगों ने बोला रहेगा कि शुरू के 10 ऑब्जेक्टिव चेक होते हैं, बाद वाला नहीं चेक होता है। तो ऐसा कुछ नहीं है, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। मैं खुद यूनिवर्सिटी का पेपर चेक करता हूँ, तो वहाँ पे ऐसा कुछ भी बोलते ना डायरेक्शन नहीं है कि आपको फर्स्ट के 10 चेक करना है। आपको क्या करना है, 24 के 24 आप लिखो, ठीक है? उसमें से जो 20 राइट रहेंगे उसके मार्क्स आपको मिल जाएगा। बाकी ये प्रीवियस ईयर्स के जो पेपर है मैं आपको ग्रुप में शेयर कर दूंगा। आपको ये पेपर चाहिए तो लेकर देख लेना, एक बार पढ़ लेना। यदि इनके कुछ डाउट रहे तो आप लोग मुझे बताना फ्रेंड, कमेंट भी करना मुझे कैसा आपको वीडियो लगा और नेक्स्ट आपको कौन से टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो 2019 के पेपर था उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे।